मतलब पैदा हुए तो ही हमको हुआ लगाते जो कि हमारे पास दो बच्चे हैं दोनों बच्चे हमारे ऐसे हैं जी, तो हमको खराब तो लगता है पे क्या करिए अब हम जी, तो भैया हमें ऐसा लगता है जैसे कोई इसको दैविक शक्ति हो जी सर हमको बुरा नहीं लगा इसलिए कि हमारे लिए हम पैदा करें हमको बुरा नहीं लगा जी, और उसे कहने वाले बहुत कुछ कहें कि आंधर आंधर जो है तो बच्चा पैदा कह रहे हैं हाँ। का करी थे बनी मजूरी करी जी और ऐसा कि पेट पाल रहे हैं। अगर जब उनसे ही पूछा कि अपना जब निकली थे तो अपना का लोग का कहा था तो नाती कैसन तो लड़का कैसन तब हमारे दाई हरे बताई इनका पढ़ाया मास्टर नहीं लोग पढ़ा पाए पर वो तो पढ़े तो कक्षा हमें पांच सौ रूपए मिले ऐसे कहीं के कही इंद्र जी तुम्हारा को है जी। तो कहा के हमार नाती है जी। कहीं बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है वो तो पूरे देहात में छाए गए बी प्रशासन की तरफ से हम प्रत्येक विद्यार्थियों को जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी है, विद्यार्थी हैं उनको पांच हजार रुपए तथा नमस्कार मैं हूं अनपा अनूप आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज आज रेवा जिले के नई गढ़ी के भलुहा ग्राम में हम आए हुए हैं यहाँ आने के कारण की बात करें तो आज हम एक ऐसी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति से आपको रूबरू कराने वाले हैं जिनकी प्रतिभा के कायल उनसे मिलने के बाद आप भी हो जाएंगे दरअसल आज हम एक ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात कराने वाले हैं जो नेत्रहीन हैं लेकिन उनकी हृदय की आंखें जो उनका हृदय का भाव और जो उनका ज्ञान उनकी बुद्धि है वो बहुत ही अद्भुत है हम बात कर रहे हैं भलूहा ग्राम के निवासी इंद्रजीत साकेत जी की जो बनारस में रह करके विद्या अध्ययन करते हैं और जन्म से ही नेत्रहीन है लेकिन उनकी प्रतिभा की बात करें तो हिंदी बॉलीवुड सॉन्ग हिंदी बॉलीवुड और स्थानीय भाषा के गीतों का अनुवाद संस्कृत में करके संस्कृत में उन गीतों को गुनगुनाने का अद्भुत कार्य करते हैं तो सबसे पहले आइए चलते हैं उनके घर का रास्ता पता करते हैं कि उनके घर कहाँ से जाते हैं और यहाँ पर एक गुमठी है यहाँ पर पूछते हैं उनके घर के जाने का रास्ता और उनकी प्रतिभा के बारे में भैया हमें इंद्रजीत साकेत जी के यहाँ जाना है जी। जो नेत्रहीन है और संस्कृत में अद्भुत अनुनादित गीतों को जो होते वो वर्णित करते हैं जी, जी। तो उनका घर कहाँ पर है इस बारे में थोड़ा सा हमारे घर के जस्ट पीछे जी जी साकेत बस्ती है उनका घर है जी और आप लोगों को कैसे पता चला उनके इस प्रतिभा के बारे में कुछ भैया जो बनारस से जब आते हैं जी तो वो अपनी प्रतिभा हम यहाँ पे जब इकट्ठा होते हैं तो अपनी प्रतिभा दिखाते हैं जी तो ऐसी ऐसी मतलब जो प्रतिभा है रामायण है महाभारत है पुराण है जी रामचरित मानस आप कोई सभी ग्रंथ कहीं से भी आप पूछ सकते हैं जी और कैसा लगता है जब आपको ये पता चलता है कि हमारे गांव में एक ऐसा बच्चा है एक ऐसा व्यक्ति है जो अद्भुत प्रतिभा का धनी है जो संस्कृत में गीतों को गाने का काम करता है तो भैया हमें ऐसा लगता है कि जैसे कोई इसको मतलब दैविक शक्ति हो जी और काफी अच्छा लगता होगा जब विश्व पटल पर जब बड़े बड़े न्यूज चैनल के माध्यम से यूट्यूब में आपको उनकी आवाज उनके गाने सुनने को मिलते होंगे करोड़ों लोग देखते हैं जी हमारे गांव का नाम रोशन होता है जी, हमारे रीवा जिले का नई गढ़ी का जी हम लोग और अच्छा लगता है जी कि कम कम से अपने इधर का आदमी अच्छे से गया वहाँ जी और हर चीज प्रतिभा बिखार रहा और यहाँ पे भी जब आते हैं ना वो जी तो मतलब सौ डेढ़ सौ पब्लिक उसको सुनने के लिए देखने के लिए अच्छा हो जाती है यहाँ पर गाँव में भी काफी उनकी प्रतिभा की चर्चा होती है बिल्कुल बिल्कुल जी चलिए बहुत धन्यवाद आपने रास्ता बताया तो चलिए हम उनके घर की तरफ चलते हैं यहाँ बगल से भैया ने बताया है कि आगे से एक रास्ता जाता है जो उनके घर की तरफ जाता है ये मेन रोड से होते हुए एक छोटी सी गली जाती है जो इंद्रजीत के घर की तरफ का रास्ता है आइए इस रास्ते से उनके घर तक का सफर तय करते हैं और उनके परिवार के बारे में भी जानने की आज कोशिश हम करेंगे और उनका जीवन कैसा रहा है अभी तक का वो सारी चीजें सारे के सारे छुपे अनछुपे पहलुओं को आज हम अपने चैनल के माध्यम से आपके सामने रूबरू कराने वाले ये हमें सामने घर दिख रहा है शायद यही इंद्रजीत जी का घर है चलिए आइए चल करके पूछते हैं उनके बारे में आप मेरे तरफ चारों तरफ खेत देख सकते हैं हरे भरे खेत और जिस पगडंडी के माध्यम से हम आ रहे हैं जो ये रास्ता है तो इसको देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद बरसात में यहाँ कीचड़ ही कीचड़ दिखाई देता होगा उनके घर तक जाने का यही एकमात्र रास्ता है जो पगडंडियों से होकर के खेतों के बीचों बीच जाता है इंद्रजीत जी का घर यही है कौन सा है जी ये पूरी की पूरी एक बस्ती है और इसी बस्ती के बीच में अद्भुत प्रतिभा के धनी इंद्रजीत जी निवास करते हैं हम उनके घर का पूरा का पूरा रास्ता तय कर रहे हैं जो मेन रोड से लगभग 300 मीटर की दूरी पर स्थित है और अब चल करके उनके परिवारजनों से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे उनकी इस अद्भुत प्रतिभा के बारे में बातचीत करने की कोशिश करेंगे अब हम इंद्रजीत जी के घर पहुँच चुके हैं और जब उनके घर पहुँचते हैं तो हमारे सामने उनके घर के द्वार पर एक हैंड पंप लगा हुआ है और देख सकते हैं कि इस हैंड पंप में जल निकास की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण काफी पानी भरा हुआ है तो ये इंद्रजीत जी का घर है और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं उनके परिवार जनों को जब इंद्रजीत जी की प्रतिभा के बारे में आप लोग सुनते हैं चैनल्स के माध्यम से यूट्यूब के माध्यम से तो आप लोगों को कैसा लगता है हम लोगों को बहुत हर्ष महसूस होता है कि हमारे गांव और हमारे घर का लड़का इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा है वो नेत्रहीन होते हुए भी इस बुलंदियों को छुआ है जो हम लोगों को लिए गर्व के लिए और कैसे जो है तो उनकी पढ़ाई लिखाई की शुरुआत की बात करते हैं तो कब पढ़ाई लिखाई की उनकी शुरुआत हुई कहाँ से हुई उनकी प्राथमिक शिक्षा जो यहीं से ग्रामीण अंचल से शुरू होती है हमारे यहीं क्षेत्र में एक प्राइमरी विद्यालय है जी भलुआ में जी वहाँ होते हैं इसके बाद वो धीरे धीरे करके यहाँ पढ़ते हैं इसके बाद फिर वो रीवा जी, जी। नाम और उनसे भादे क्या संबंध है, नीरत है जी, वो हमारे चाचा जी के लड़के है जी, साके जी।, जी और इंद्र जी आपका परिचय जानते हुए हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपका परिचय थोड़ा बताएं हमारे परिचय भी है मैं पड़ोसी हूँ जी और आते जाते रहते हैं तो मतलब चलता है हमारा उनका तो आपके बगल में इतना प्रतिभाशाली इतना प्रतिभा संपन्न एक बच्चा है बालक है तो उसको देख करके आप लोगों को कैसा महसूस होता है उसको देख के बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छी बात है कि इतनी दूर तक का जा रहे हैं जी उसमें हम लोग को भी गर्व है कहां देखा है आपने जो है तो उनको गा गाते हुए जो है तो कहां कैसे आपको पता चला इस बारे में आते हैं घर में तो गाते हैं बताते भी है फोन ऑन करते रहते हैं कि हम बड़े बड़े साहबों के लिए जाते हैं जी। और अच्छे अच्छे मंच में जाते हैं गाने के लिए जी, हाँ। और इंद्रजीत जी की जी हमारे साथ है तो सबसे पहले तो हम आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं और बहुत स्वागत करते हैं हमारे खबरदार न्यूज पर आप एक ऐसी प्रतिभा संपन्न बालक की माँ है अब प्रकृति की जो देन होती है तो देता है। लेकिन इंद्रजीत जी ने जो मुकाम अपनी मेहनत से हासिल किया है जब बचपन था इनका बचपन कैसे भी था बचपन में किस तरीके से थे अरे सर जी अब बचपन के क्या बताए बहुत है जब मतलब पैदा हुए तो बहुत ही हमको हुआ लगाते जो हमारे पास दो बच्चे हैं दोनों बच्चे हमारे ऐसे है तो हमको खराब तो लगता है क्या करिए अब हम अब जो भी किया है तो इन्होंने अपनी मेहनत से वो मुकाम हासिल किया शायद लोगों की आंख होने के बावजूद भी जो काम नहीं कर पाते हैं तो वो आपके बेटे ने जो तो वो सब कुछ कर दिखाया है तो कमी तो खलती है आखिर कभी ना कभी पर उसके बाद जो तो एक बहुत ही गर्व का विषय है कुछ अपने अनुभव बताएं बचपन में जब ये आपके साथ रहते रहे हों जब रेवा शिक्षा ग्रहण करने नहीं गए रहे हों तो उस बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं रीबम सर ऐसा है सर के जौन है तो पहले भलवाई स्कूल में पढ़े यहां से सर जी, जी बोले तो रीबम जी, है कुछ जी, जी तो बिछिया में डालन हो गए पढ़ावे लिखावे लागे हुआ से फिर ओके बाद बोले की हम पापा जी बनारस में पढ़ा पापा जी बोले की भाई जहाँ तुम्हारा इच्छा हो तहा तुम हाँ तो बनारस में नाम लिखा है चाचा जी ले जाए और आप दादी हैं उनकी जब बचपन में रहे तो बचपन में, किस लिखने में पढ़ने लिखने में कैसे थे इनका पढ़ाए मास्टर नहीं लोग पढ़ा पा पढ़ा लिख तो चला जी तो यहाँ रहे आए रहे आए अब बड़े दुख की बात ही रही ऐसे के बालक तो रहा भाई जी। तो दुख की बात ही रही, जाना यहाँ से फिर रीवा गए रीवा पर हीन। उनका नहीं पोसाक जी तो चलेगी बनारस जी तो बनारस पढ़ता ही आप लोग उनके सबके और आप लोगों के परिवार का जो जीवन यापन होता है जो भरण पोषण होता है तो आप लोगों का व्यवसाय क्या है कुछ इस बारे में बताएं क्या करते हैं आप लोग का बनी मजूरी करी जी और ऐसे कि पेट पाल रहे हैं। और जो सरकारी योजनाओं का लाभ आप लोगों को मिलना चाहिए तो वो योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं हो मिल रहा है जी मिला है और इनकी स्कॉलरशिप वगैरह जो सही टाइम पे मिलनी चाहिए देखिए मतलब जीफा उफा के बारे में मतलब। जी, जी, थोड़ा स्कॉलरशिप नहीं मतलब जीफ़ा उफ़ा ग्यारह सौ रूपये हमें मिला हुआ था जी, और इसके बाद जब नेत्रहीन विद्यालय में पढ़े तो कक्षा छ में हमें पांच सौ रूपये मिले थे। इसके बाद अब जब हम नौ से और बारहवीं तक पढ़े तो वहाँ दस में एक बार हमें वो भी प्रोत्साहन राशि के रूप में जो भी कक्षा नौ में प्रथम स्थान प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करते हैं अपनी परीक्षा में तो उसमें होता यह है कि दस कक्षा दस में उन्हें पढ़ने के लिए उन्हें परीक्षा फीस के लिए क्या होता है कि हम लोगों को राइटर की आवश्यकता होती है कक्षा दस में जी। राइटर ये कि एक हमसे छोटा आ, मतलब छात्र रहता है एक क्लास छोटा और उसको हम पूरा प्रश्न बताते हैं वो प्रश्न पढ़ेगा और हम उसको उत्तर बताएंगे, उत्तर बताएंगे फिर वो लिखेगा लिखेगा उसके लिए फीस की मतलब शुल्क की आवश्यकता होती है फीस की जरूरत होती है तो उसके लिए फिर हमें जो फर्स्ट प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किए हुए विद्यार्थी को अठारह सौ रुपये कक्षा दस में प्रोत्साहन राशि के रूप में उसे पढ़ने के लिए फीस के लिए दिया जाता है और द्वितीय श्रेणी के लिए पंद्रह सौ तथा तृतीय श्रेणी के लिए बारह सौ का वो प्रावधान रहता है ये दस और बारह में इसके बाद अब हम जब से काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी बी में जब पहुंचे तो वहाँ देखिए मिलता है स्कॉलरशिप मिलती है जी, जी तकरीब ये नेशनल वाली मिल जाती है बीस हजार पंद्रह हजार से बीस हजार तक कभी पंद्रह हजार बीस हजार वैसे उसका अधिकतम वो है बीस हजार मिलती है और फिर एक एनजीओ संस्था है जी, जो हम दृष्टिबाधितों के लिए ही वो काम करती है तो उसमें भी हम लोगों को पिछले वर्ष तक तो देखिए आठ हजार तक का वो दिया करती थी स्कॉलरशिप लेकिन इस बार से <coughs> दस हजार कर दिया गया है जी और दो अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती तथा लाल बहादुर शास्त्री जयंती पर बी प्रशासन के तरफ से हम प्रत्येक विद्यार्थियों को जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी है, हैं उनको पांच हजार रुपए तथा जो पैर से हैं अथवा जो मुख बधिर हैं, उनके लिए पच्चीस सौ मतलब दिया जाता है जी और जब बचपन में जब ये छोटे से थे जब इनका जन्म हुआ तो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या कह सकते हैं या फिर जो है तो कहीं ना कहीं मन में जो तो है तो उस अनुभव के बारे में थोड़ा सा बताइए जब ये हुए थे सर हमको बुरा नहीं लगा जी इसलिए कि हमारे लिए हम पैदा करें हमको बुरा नहीं लगा जी और कहने वाले बहुत कुछ कहें कि आधार आधार जो है तो बच्चा पैदा जी। कह रही है हाँ। और पे, आस पास, पास के आस पास के जो लोग थे उन लोगों का नजरिया उन लोगों का किस तरीके से व्यवहार था इन बच्चों, बच्चों के प्रति सबके व्यवहार ठीक रहे जी।, जी जी जो जो उन बोला हुई नहीं आगे बोला मेरे सामने सर जी कोई नहीं बोला। जी हमारे गांव के लोग क्या होता है हमारी दादी बताती देखिए आप थोड़ा हिंदी में उनसे बोलते हैं तो थोड़ा नहीं समझ पाते अगर जब उनसे ही पूछा जी. कि अपना जब निकली थे तो अपना का का कहा था मा तो नाती कैसन तो लड़का कैसन तब हमार दाई हरे बताई तब पूछिए अब हमार दाई बताई जब जी. के गली में निकला था जी. हमारे दाई से मिला था तो जी. का बताबत का कहा था अब हमार दाई बताई अपना पंचम का ऐसे कहीं निकलन कहीं के ओ इंद्र जी तुम्हारा को है जी तो कह हमारा नाती है जी कहीं बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है वो तो पूरे देहात में छाए वो बहुत अच्छा गाना गावा था बहुत अच्छा लड़का जी, है का करे वो थोड़ा है जी, लेकिन लड़का बड़ा अच्छा है ये सब खुशी दे था कौन कौन है कौन कौन लोग रहते हैं आप लोग हमारे लोग यहाँ एक पतोहू एक नाती एक हम रहते। जी, आई बड़े आही गरीब अमरहा था अब जो ना इंद्र जी तहरा बाहर यहाँ नहीं रहते जी, हैं उसे छोड़ रहा है माझिल तो वो पूना में है जी, जी। हमारे पांच बच्चे हैं सबसे बड़े इंद्र हैं उनसे बड़े आरती है आरती के बाद शिवानंद है शिवानंद के बाद मधु है जी। मधु के बाद छोड़ वाले तो और बच्चों की शिक्षा दीक्षा कहाँ पर कैसे चल रही है सब रीवा में पढ़ रहे हैं जी सारे लोग रीवा में पढ़ पढ़े हाँ किस किस पांचों बच्चे हमारे मतलब रीबम पढ़ रहे हैं रीवा से दो जने हुआ चले गए तीन जने रीबम पढ़ रहे हैं जी अभी भी जी, तीन लोग रीबम में पढ़ाई कर रहे हैं तो हाँ। बड़ी वाली बच्चे की तबीयत खराब हो, हो गया है वो पढ़ाई छोड़ दसवीं में फैल हो गया वो छोड़ जी छोट वाली वाली मतलब दसवीं में है जी आ माझिल वाला लड़का शिवानंद शिवानंदी में जी जी चलिए आपने इनके बारे में इंद्रजीत जी के बारे में हमसे काफी सारी बातचीत की उन अपने अनुभवों को साझा किया इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद